बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की कतली की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से घर के कुछ सामग्री से बन के तैयार होगी और सबको बेहद पसंद आएगा। बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करते हो, सबको ये बेहद ही पसंद आता है। तो आप भी देखिए और बनाइए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर वीडियो हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यहाँ देखिए, मैंने एक पॉट रख दिया, लीड हटाते और चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा आधा कप ऑयल, कम ज़्यादा आप ले सकते। ये देखें, इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा जीरा 1 टीस्पून। जीरे को बस हल्का सा तड़क जाने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा आलू की कतलियां। ये देखें, मैंने आधा किलो ले ली थी जिसे मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिए। ये देखें कुछ इस तरीके से आधा किलो, ये अब मैं इस पॉइंट पे ऐड कर दूंगा, अच्छे से मिक्स कर लूंगा। ये इतनी सिंपल है बनाने में और खाने में तो उससे भी बेहद मजेदार है। आलू जिस तरीके से बनते लेकिन सबको बहुत पसंद आती है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये देखें, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। और नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लूँगा बस। और अब मैं इसके अलावा कुछ और नहीं ऐड करूँगा इसके अंदर, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं। इतना सिंपल बनता है लेकिन बहुत ही मज़े के बनते। और अब मैं इसे ढक के पका लूँगा 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैं लिड हटा रहा हूँ और अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा दूँ इस आलू के कतले के। यकीन मानिए, इतना टेस्टी बनता है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ इसका लुक। और ये देखिए, आलू हमारे कम्प्लीटली गल चुके हैं। ये देखिए, टूटने से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। ये बनाने में जितना सिंपल है, खाने में उससे भी बेहद मज़ेदार है। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और सब उंगलियाँ ही चाटते रह जाएंगे। वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही रखा है क्योंकि मुझे इसमें ऑयल पसंद है थोड़ा सा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये देखें, तो चलाए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने आलू की कतलियों को सर्व कर लिया है। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। दिखने में कितना टेम्पटिंग और सुपर डिलीशियस लग रहा है, यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े के बनते, बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये देखें, मैं इसे दही के साथ सर्व करूँगा और दही के साथ ही इंजॉय करूँगा और चपाती के साथ। आपको इसके साथ राइस पसंद हो या दही या चपाती के साथ, आप ये किसी के साथ भी खा सकते। सबके साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको ये सिंपल तरीके से आलू की कतलियों की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।